नमस्कार दोस्तों, एसके हाउस प्लान्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि वास्तु के अनुसार किस दिशा में क्या बनाएं। हम सभी दिशाओं के बारे में आपको बताएंगे। चार मुख्य दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इन दोनों के बीच, नॉर्थ और ईस्ट के बीच नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट। तो दोस्तों, हम आप सभी को बताएंगे कि इन दिशाओं में हम क्या क्या बना सकते हैं और क्या नहीं बनाना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में हमको ज़्यादा स्पेस रखना चाहिए, ओपन स्पेस, डोर्स एंड विंडो इधर की तरफ बनाने चाहिए, बालकोनी, बरामदा, बोरवेल एंड समरसिबल। अगर हमें समरसिबल के बोरिंग कराना है तो इधर करा सकते हैं। ग्राउंड लेवल लोअर देन साउथ, साउथ की अपेक्षा इधर का लेवल नीचा होना चाहिए नॉर्थ साइड का। इसके बाद दूसरी दिशा है नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान कोण। ईशान कोण में हमारे पूजा घर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है पूजा रूम, बोरवेल एंड समरसिबल। यहाँ पर समरसिबल वगैरह लगा सकते हैं, उसके लिए भी ये उपयुक्त दिशा है। और मोर ओपन स्पेस रखना चाहिए, इधर हम पोर्ट को भी बना सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं ईस्ट, पूरब दिशा। पूरब दिशा में भी हमें अधिक ओपन स्पेस रखना चाहिए, बालकोनी, डोर्स एंड विंडोज, बोरवेल और बरामदा, डाउन ग्राउंड लेवल इसका लेवल भी नीचा ही रहना चाहिए। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इधर का लेवल अपेक्षा साउथ के नीचा रहना चाहिए। और इसके बाद इससे अगली दिशा आती है साउथ ईस्ट, जो कि साउथ और ईस्ट के बीच है, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण जिसे कहते हैं। यहाँ पर सबसे उपयुक्त स्थान रसोई के लिए होता है। यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर वगैरह लगा सकते हैं, गैरेज बना सकते हैं, जनरेटर, बॉयलर, चिमनी वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद है दिशा साउथ, साउथ साइड दक्षिण दिशा। इसमें यहाँ पर हमें ज़्यादा कवर्ड स्पेस रखना चाहिए और यहाँ का लेवल हाई ग्राउंड लेवल होना चाहिए, मैक्सिमम रूम हाइट होनी चाहिए और मेजनिन वगैरह इधर बना सकते हैं। हैवी मशीन्स वगैरह हैं तो हम साउथ में लगाएं। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट है, इस दिशा में नॉर्थ कोण। यहाँ पर हमें मास्टर बेडरूम सबसे उपयुक्त रहता है, स्टेयर्स बनाना अच्छा रहता है, हैवी मशीन्स यहाँ रख सकते हैं, रॉ गुड्स भी रख सकते हैं। इसके बाद आती है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम ओवरहेड टैंक, वाटर टैंक, हाई ग्राउंड लेवल, मोर रूम हाइट और मेजनिन और रॉ गुड्स यहाँ रख सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं और ट्री लगा सकते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट वायव्य दिशा। यहाँ पर गेस्ट रूम उचित रहता है, गौशाला बनाना भी, गैरेज, सेप्टिक टैंक बना सकते हैं यहाँ पर, और ओवरहेड टैंक भी यहाँ पर अच्छा रहता है, और फिनिश्ड गुड तैयार माल यहाँ रख सकते हैं जिससे हमारा जल्दी से जल्दी बिके। तो दोस्तों, आपने जाना कि वास्तु के अनुसार किस दिशा में क्या क्या बनाना चाहिए। हमने सभी डायरेक्शन के बारे में आपको बताया। और आप हमारा चैनल एसके हाउस प्लान लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ ज़्यादा शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।